अभी जो इंट्रो आपने देखा ये है ओप्पो रेनो 3 प्रो का। अब ये फ़ोन जो है ये एक कैमरा स्पेशल फ़ोन है एंड मेरा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है इसका सारी के सारे जो फीचर्स है। इसका फ्रंट जो कैमरा आपको देखने को मिलता है दो कैमरा, एक है 44 मेगापिक्सल का कैमरा एंड ये फ़ोन का ओवरऑल जो कैमरा है 6 कैमरा आपको देखने को मिलता है। इसका बैटरी काफ़ी बढ़िया है एंड सब कुछ ये जो फ़ोन है ये ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस फ़ोन के बारे में ही बात करेंगे, इसका प्राइस, इसका स्पेसिफिकेशंस, इन द बॉक्स आपको क्या क्या मिलेगा, सारी के सारी चीज़ इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो अच्छे से बैठ जाइए एंड इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों इस फ़ोन का हाईलाइटेड फीचर्स है 30 वाट का फास्ट चार्जर के साथ ही आता है एंड 50% चार्ज 20 मिनट के अंदर हो जाता है। इसका दूसरा एक हाईलाइटेड फीचर है 6 कैमरा है, फ्रंट में दो कैमरा है वो भी इन डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर ही बिल्ड है, नीचे में नहीं डिस्प्ले के अंदर ही लेफ्ट हैंड कॉर्नर में बिल्ड है। 44 मेगापिक्सल का एक कैमरा है एंड 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, पीछे में आपको 4 कैमरा देखने को मिलता है। और भी एक हाईलाइटेड मटेरियल्स इसके अंदर है वो है इसका डिस्प्ले, 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन है 2400x1080 एंड ये जो डिस्प्ले है ये 16.7 मिलियन कलर सपोर्ट करते हैं एंड जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात है। ये तो गया ओप्पो रेनो 3 प्रो का हाईलाइट। अब बात करते हैं इस फोन के बारे में पूरा की पूरा डिटेल्स, देन बात करेंगे इसका प्राइसिंग के बारे में। अगर डिटेल्स की बात करें तो इसका डायमेंशन की बात आ जाता है। तो ये जो फ़ोन है ये बेसिकली 158.8 mm का इसका हाइट है, इसका जो चौड़ाई जिसको बोलते हैं विथ है 73.4 mm, थिकनेस है 8.1 mm एंड इसका वेट जो है अप्रॉक्सीमेटली 175 ग्राम है। इसमें 3 कलर अवेलेबल है, पहला है स्काई वाइट, दूसरा है मिडनाइट ब्लैक, तीसरा है एरोरल ब्लू। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है कलर वॉइस 7। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काफ़ी मतलब यूज़र इंटरफेस जो है इसका काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं इसका जो CPU है वह है MTK P95 के इसके अंदर CPU है जो काफ़ी अच्छा एक CPU है, बेस्ट मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन ये एक अच्छा CPU ज़रूर है। इसके अंदर जो बैटरी आपको देखने को मिलता है 4025 mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी इसके अंदर है जो काफ़ी एक बढ़िया बैटरी है। इसका टॉक टाइम है 36 आवर्स एंड स्टैंड बाई टाइम है 362 आवर्स एंड काफ़ी बढ़िया बात है। इसका चार्जर जो है 30 वाट का प्लस चार्जर आप सबको पता ही है, डिलीवर जो चार्ज करते हैं 15% चार्ज इसका 20 मिनट के अंदर होता है एंड एक 5 मिनट का चार्ज जो है आपको 2 घंटे के लिए जो वीडियो प्लेबैक के लिए हेल्प करता है एंड प्लेबैक होता है। अगर आप 5 मिनट के लिए चार्ज करते हो तो 2 घंटे के लिए आपका पूरा की पूरा वीडियो प्लेबैक होता है, वीडियो प्ले होता है जो अपने आप में एक बढ़िया चीज़ है। देन इसके अंदर रैम जो आपको देखने को मिलता है 8 GB का, इंटरनल स्टोर का 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है 128 GB एंड 256 GB। ऑब्वियसली इसका प्राइस का फर्क तो ज़रूर होगा। इसके अंदर जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा 16.3 सेंटीमीटर्स मतलब 6.4 इंच का सुपर एमोलेड फुल स्क्रीन डिस्प्ले इसके अंदर है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो छोटा सा एक नॉच है एंड वहाँ पे 2 कैमरा आपको देखने को मिलता है। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है 2400x1080p एंड यहाँ पे पिक्सल रेजोल्यूशन जो है काफ़ी बढ़िया है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो काफ़ी मतलब अच्छा आता है एंड इसके अंदर 16.7 मिलियन कलर सपोर्ट करते हैं। एंड फाइनली इसका कैमरे के बारे में बात करते हैं। तो फ्रंट में जो 2 कैमरा आपको देखने को मिलता है वो है 44 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर के साथ एक कैमरा, दूसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर के साथ एक कैमरा। रियर में आपको 4 कैमरा देखने को मिलता है, एक है 64 मेगापिक्सल का 1.8 एपर्चर के साथ कैमरा, देन है 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा, देन है 8 मेगापिक्सल का एक कैमरा, देन है 2 मेगापिक्सल का कैमरा एंड 20x डिजिटल जूम के साथ ये आता है एंड काफ़ी अच्छा मतलब इसका अंदर चीज़ है। इस अल्ट्रा डार्क मोड में आप फोटोज़ को अच्छा क्लियर फोटो ले सकते हो, माइक्रो शूट है 3 सेंटीमीटर का माइक्रो शूट छोटा छोटा चीज़ों का ले सकते हो, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। अल्ट्रा वाइड के मतलब क्या होता है, जैसे कि ताज महल का पूरा की पूरा एक व्यू का पिक्चर आप उठाना चाहते हो तो वहाँ पे अल्ट्रा वाइड मोड जो आपको हेल्प करते हैं, पूरा की पूरा एक वाइड रेंज में आपको कैमरा वहाँ पे उठता है एंड काफ़ी अच्छा चीज़ है ये अपने आप में। इसका सारे के सारे फीचर्स के बारे में तो आपको बताया लेकिन एक स्पेसिफिक एक स्पेशल जो है सेंसर के बारे में आपको नहीं बताया, वो है इसका सिक्योरिटी सेंसर, अंडर स्किन फिंगरप्रिंट,
सेंसर आपको देखने को मिलता है जो पहले वीवो में आया था। एंड अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट जो है ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड इसका जो स्पीड है फिंगरप्रिंट स्कैनर का, जितना भी मैंने देखा तो इसका स्पीड उतना खास मुझे नहीं लगा जो अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट है, क्योंकि उसका काम जो है वो वहाँ पे एक कैमरा रहता है, फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, फिर उसका फोटो उठता है थंब का, देन उसका कैलकुलेशन सारे होता है, तो ये प्रोसेस में थोड़ा बहुत टाइम तो इसमें लगता है, लेकिन काफ़ी अच्छा चीज़ है। एंड फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, जो सबसे मतलब मेन मुद्दा है। तो इसका जो प्राइसिंग किया गया है 29,990 रुपीज़ आपको बेसिकली अमेजोन पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर होगा, आप चेक कर लीजिएगा। एक्चुअली जो ओप्पो ये कह रहा है इसका फ़ोन का प्राइस है 27,271, ये फ़ोन का प्राइस है। एंड इसका साथ साथ आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर की स्पीकर जो है वो भी मिलेगा, एंड उसका प्राइस कॉस्ट होगा 2,718 रुपीज़। एंड शायद आप फ़ोन अलग से नहीं ले सकते, ऐसा कुछ वहाँ पे दिखाई रहा है, कोई अलग से ऑप्शन वहाँ पे नहीं दिखा रहा है कि यहाँ पे ऐड करना है माइनस करना है, जितना भी मैंने वहाँ पे देखा अमेजोन पे तो यही है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप प्री ऑर्डर भी कर सकते हो अभी। एंड ओप्पो का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो, ये काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि 29,000 में ये क्या दे रहा है, तो ऑब्वियसली मैं बताऊँगा इससे अच्छा फ़ोन आपको ज़रूर मिलेगा। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसका कंपैरिजन होगा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग डिजिटल पंडित।